हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इडीएन टेक यूट्यूब चैनल। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करिबा प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रो सिलेक्टेड 65 एमसीक्यू क्वेश्चन एवं तार आंसर पार्ट थ्री वीडियो टॉपिक विषय रे। तबे इलेक्टिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रो 65 सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन एवं आंसर पार्ट वन एवं पार्ट टू वीडियो टॉपिक मु आलोचना कर सारी जहाँ मोर चैनल वीडियो लिस्ट रे अच्छी जो मैंने देखना सेठार जाए देखिपारे। आज वीडियो टॉपिक रे आम यही इकोनॉमिक्स रो 65 सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन एवं आंसर रो पार्ट थ्री वीडियो टॉपिक विषय में आलोचना करने को जाऊे। तो वीडियो प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख, जदि कौन डाउट बा सजेसन थाए निश्चित भाव कमेंट कर जनाओ। तेज चलो आज वीडियो टॉपिक आरंभ करवा। आज इकोनॉमिक्स रो 50 सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन रे फर्स्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन होची लॉरेंज वक्ररेखार जन्मदाता किए। लॉरेंज वक्ररेखा जन्मदाता किए, ऑप्शन एक कैनोस, ऑप्शन दुई मार्क्स ओ लॉरेंज, ऑप्शन तीन कार्ल पियर्नस, ऑप्शन चार उपयुक्त समस्त। तेब यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन दुई मार्क्स ओ लॉरेंज। मार्क्स ओ लॉरेंज लॉरेंज वक्ररेखार जन्मदाता अटंती। प्रश्न दुई रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी माध्यमानर सांकेतिक चिन्ह अटे। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन दुई एक्स रो परफेक्ट वैल्यू, एको माध्यमानर सांकेतिक चिन्ह कहा जाए। प्रश्न तीन रे परिसंख्यनर जनक किए। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन एक प्रोफेसर आर ए फिशर। प्रोफेसर आर ए फिशर परिसंख्यनर जनक अटंती। प्रश्न चार रे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी निरवच्छिन्न चलर उदाहरण। ऑप्शन गुड़िक हला ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन दुई बयस, ऑप्शन तीन ओजन, ऑप्शन चार समस्तटी। तबे नंबर बयस ओजन ए समस्त होची गुटे गुटे निरवच्छिन्न चल, एमाने केबे सरंती नाहीं। तेणुक यार उत्तर होची ऑप्शन चार ए समस्त होची निरवच्छिन्न चलर उदाहरण। प्रश्न पाँच रे तदंतर परिसर सीमित थिले निम्नोक्त केउं पद्धतिर व्यवहार करा जाए। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन एक व्यक्तिगत और तदंत पद्धति। तदंतर परिसर जदि सीमित थिबो तबे व्यक्तिगत तदंत पद्धति द्वारा व्यवहार करा जाए। प्रश्न छ रे श्रेणीर ऊर्ध्व सीमा प्लस श्रेणीर निम्न सीमा बाय टू, जदि आमे एभली करिबा ताहाले आमरबु उत्तर मिलिबो श्रेणी मध्य बिंदु। आमे मध्यबिंदु बाहर करिवा निमन्ते श्रेणीर ऊर्ध्व सीमा बा लब्धांगर ऊर्ध्व सीमा निम्न सीमा को मिसेई जदि दुई द्वारा भाग करिवा तबे आमर तार मध्यबिंदु पाई परिवा। तापरे प्रश्न सात रे निम्नक्त मध्यरु केउंटी 2000 मसिया जननीतिर वैशिष्ट्य। तबे ऑप्शन एक गर्भपात आईनर सरलीकरण, ऑप्शन दुई द्विसंतान मानंकु प्रोत्साहित देवा, ऑप्शन तीन संक्रामक रोगर प्रतिरोधन टीका प्रदान करवा, ऑप्शन चार उपयुक्त समस्त। तेरे 2000 मसीहा जननीतिर वैशिष्ट गुड़िक सबुजाक अटे, तेणुक यार उत्तर होची ऑप्शन चार उपयुक्त समस्त। प्रश्न आठ रे पाइकारी मूल्य सूची प्रस्तुति रे निम्नलिखित मध्यरु केउं द्रव्य को गणनामुक्त करा जाए। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन एक कंचामाल दर। कंचामाल दर को गणनामुक्त करी पाइकारी मूल्य सूची प्रस्तुत करा जाए। प्रश्न नौ रे जदि मानक विच्युतिर मूल्य न हुए तबे प्रसारतार मूल्य केते। मानक विच्युतिर मूल्य 9 हेले प्रसार मूल्य केते हेबो। तबे यार ऑप्शन होची उत्तर होची ऑप्शन 4 81 बा 81 हेबो। प्रश्न 10 रे निम्नलिखित मध्यरु ए कहाकु कहा जाए। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन दुई कल्पित माध्यमान। निम्नलिखित मध्यरु ए कल्पित माध्यमान को कहा जाए। प्रश्न एगार रे नीति आयोगर सीईओ किए। तबे यार उत्तर होची अमिताभ कांत। अमिताभ कांत होचंती नीति आयोगर सीईओ। प्रश्न बार रे योजना आयोगर अध्यक्ष किए। तबे यार उत्तर होची ऑप्शन एक प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोगर अध्यक्ष अटंती। वर्तमान से योजना आयोग नाम परिवर्तन करा जाए नीति आयोग नाम रखा जाए। तापरे प्रश्न 13 रे निम्नक्त मध्यरु केउंटी दारिद्र्यर कारण।
ଅପସନ୍ ଏକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଅପସନ୍ ଦୁଇ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାଷ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ତିନି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର, ଅପସନ୍ ଚାରି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଜନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି, ତା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ପ୍ରଶ୍ନ 14ରେ ନୀତି ଆୟୋଗ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ 2015। ନୀତି ଆୟୋଗ 2015ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 15ରେ 2014-2015 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଦୁଇ 257 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଥିଲା। 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 257 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16ରେ ବାଲ୍ମିକି ଆମ୍ବେଦକର ଆବାସ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ 2001। ବାଲ୍ମିକି ଆମ୍ବେଦକର ଆବାସ ଯୋଜନା 2001 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 17ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ 2000 ମସିହାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜ୍ୟାମିତିକ ମାଧ୍ୟମାନର ସୁଗୁଣ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଏକ ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ଅପସନ୍ ଦୁଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଅପସନ୍ ତିନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଗଣନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ଚାରି ସମସ୍ତଟି। ତେବେ ଜ୍ୟାମିତିକ ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରାଫ ବା ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ, ସେହି ମାଧ୍ୟମାନର ସୁଗୁଣ କ'ଣ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ ଅଟେ, ତା ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଗଣନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଚାରି ଏ ସମସ୍ତଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଧ୍ୟମାନର ସୁଗୁଣ? ମାଧ୍ୟମାନର ସୁଗୁଣ କ'ଣ? ତେବେ ଏକ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ଅଟେ, ଦୁଇ ଅପସନ୍ ସମସ୍ତ ଏକକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ତିନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଚାରି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ତିନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ହେଲା, ମାଧ୍ୟମାନର ସୁଗୁଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 20ରେ L1+L2-L1/F((n/2-Cf) ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପଦ୍ଧତି? ଇଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ଇଏ କେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଗରିଷ୍ଠକ ରହିଛି, ଏ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଦୁଇ ମଧ୍ୟମା। ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ 21ରେ ଯଦି ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟମାନର ମୂଲ୍ୟ 40 ଏବଂ ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 8 ହୁଏ, ତେବେ ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ତିନି 5 ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 22ରେ ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟମାନ -(-), ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ 0। ପ୍ରଶ୍ନ 23ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ, ଅପସନ୍ ଦୁଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର, ଅପସନ୍ ତିନି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଚାରି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଅଟେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅଟେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଚାରି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 24ରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ 2008 ମସିହାରେ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 25ରେ 20, 40, 60, 80 ଓ 100ର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ତିନି 53 ବା 53। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 26ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଅପସନ୍ ତିନି ଓଜନ, ଅପସନ୍ ଚାରି ଆୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା। କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 27ରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମ୍ ଅଜୀବ ରେଖାର ଆକାର କିପରି ହୋଇଥାଏ?
तेरे यार उत्तर हूँ पूर्वापेक्षा अजीब रेखार आकार ऊर्ध्वगामी होता है। प्रश्न 28 रे प्रत्येक सांख्यिक तदंत कार्यर निम्नलिखित क्यों स्तर रही। सांख्यिक तदंत जो संख्या आम जो गणना कर सर्वे करदंतर से सर्वर स्तर कौटा बोले ऑप्शन एक हूँ तथ्य संग्रह, ऑप्शन दुई तथ्यावली को संगठन करवा, ऑप्शन तीन तथ्यावली उपस्थापना करवा, ऑप्शन चार समस्तटी। तेब आम जदि गोटे सर्भेर सांख्यिक भैल्यू बाहर करते आमको तथ्य संग्रह करा पड़ता है, सहित तथ्यावली को संगठन करा पड़ता है, तथ्यावली को उपस्थापन करने को पड़ता है। तेब यार उत्तर हूँ ये समस्तटी हूँ सांख्यिक तदंत कार्यर स्तर। प्रश्न 29 रे गोटे बारंबारता वितरण सर्वोच्च व्यक्तिगत बारंबारता थिबा चलराशि क्या कहुए तबे यार उत्तर हूँ गरिष्ठक माने केतोटी बारंबारता दिया है जार बारंबारता बेसी जो लब्धांगर बारंबारता बेसी से हम गरिष्ठक से संख्यार गरिष्ठक। तबे प्रश्न 30 रे गोटे बारंबारता वितरण माध्यमानर मूल्य 60 एवं मध्यमार मूल्य 70 हेले गरिष्ठकर मूल्य केते हेबो तेरे यार उत्तर हूँ ऑप्शन 2 90 हेबो। प्रश्न 31 रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी लेखचित्रर सुगुण अटे लेखचित्रर सुगुण तबे ऑप्शन 1 एहा एक हाराहारी कलना, ऑप्शन 2 एहा को खूब कम समय मध्य विश्लेषण करा जाए, ऑप्शन 3 एहा सबु वर्गर पर्यवेक्षक द्वारा आदृत होता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त समय उपरोक्त समस्त। तबे यार उत्तर हूँ ऑप्शन 4 उपरोक्त समस्त ये सब जग हूँ लेखचित्रर सुगुण। तापर प्रश्न 32 रे 2001 मसीहा पर समस्त राष्ट्र द्वारा ग्रहणीय होगा भाई आकारित अबारित विकास सूचक केतोटी मूल विषय रही। तेब यार उत्तर हूँ 15टी 2001 मसीहार समस्त राष्ट्र द्वारा ग्रहणीय होगा भाई अबारित विकास सूचक 15टी मूल विषय रही। प्रश्न 33 रे निम्नोक्त मधरु केउं पद्धति साहाज्यरे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करा जाई पारिबो। प्रश्न 1 सरकारी व्यय ह्रास, प्रश्न 2 सरकारी ऋण वृद्धि, प्रश्न 3 नूतन कर बसाई, प्रश्न 4 उपरोक्त समस्तटी। तेबे यार उत्तर होउछि ऑप्शन 4 उपरोक्त समस्तटी। मुद्रास्फीति को आमे जदि नियंत्रण करिबाको हुए तेबे सरकारी व्यय ह्रास करिबाको पडियो, तो सहित तो सरकारी ऋण वृद्धि करा पड़ो एवं नूतन कर मध्य बसाइबा को होता है। प्रश्न 34 रे सर्वनिम्न पुष्टिकर खाद्य वस्त्र बासगृह स्वास्थ्य सुविधार अभाव को कौन कहा जाए तेज यार उत्तर हूँ ऑप्शन 1 चरम दारिद्र्य। जदि जड़े मनुष्य को जड़े जन को पुष्टिकर खाद्य सर्वनिम्न पुष्टिकर खाद्य वस्त्र बासगृह स्वास्थ्य सुविधा अभाव हुए तेज ता चरम दारिद्र्यर उदाहरण बोली कह। प्रश्न 35 रे जदि गोटे बारंबारता वितरण माध्यमानर मूल मूल्य 10 लब्धांग मानकर समष्टि वर्ग एक्स स्क्वेयर मूल्य 40 एवं लब्धांग मानकर संख्या 5 हेले प्रसरणर मूल्य केते हेबो तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 3 800 हेबो। प्रश्न 36 रे सोमवार रु शनिवार मध्यरे कटकर हाराहारी वर्षा थिला 3 इंच, रविवार दिन प्रबल वर्षा हेबारु सप्ताहकर हाराहारी वर्षा 1.5 इंच वृद्धि होता, तेज रविवार दिन केते वर्षा होता तेज यार उत्तर हूँ ऑप्शन 1 1.7 इंच वर्षा होता। प्रश्न 37 रे ओडिशार समस्त शारीरिक अक्षम व्यक्ति मानू आर्थिक साहय जगै देवा लक्ष्य ओडिशा सरकार केवं दारिद्र्य दूरीकरण कार्यक्रम कार्यकारी कर तबे यार उत्तर हूँ ऑप्शन 2 मधुबाबु पेंशन योजना। मधुबाबु पेंशन योजन आमर दिव्यांग व्यक्ति मानू कि अर्थ साहय करी से दारिद्र्य दूरीकरण करा जाई पारुछि। प्रश्न 38 रे स्वाधीनता प्राप्ति पर भारत रप्तानी संरचना केउं केउं द्रव्यर गुरुत्व वृद्धि पाई तेरे ऑप्शन गुड़िक होला 1 कृषि और कृषि सहजात द्रव्य, ऑप्शन 2 खनिज द्रव्य, ऑप्शन 3 शिल्पजात और द्रव्य, ऑप्शन 4 उपरोक्त समस्त। तेरे स्वाधीनता प्राप्ति पर भारत रप्तानी संरचना यही सबू माने कृषि और कृषि सहजात द्रव्य तहत खनिज द्रव्य शिल्पजात द्रव्य ए सबू द्रव्यर गुरुत्व वृद्धि पाई। प्रश्न 39 रे
1991 मसीहा शिल्प नीति रे केतोटी शिल्प को राष्ट्रीयत क्षेत्र पई संरक्षित करा जाय थिला तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 2 8। 1991 मसीहा शिल्प नीति रे 8टी शिल्प को राष्ट्रीयत क्षेत्र पई संरक्षित करा जाय थिला। प्रश्न नंबर 40 रे सघन कृषि जिला कार्यक्रम केउ आर्थिक वर्ष रे आरंभ करा जाय थिला तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 1 1960 रु 1961। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 मसीहा रु 1961 मसीहा आर्थिक वर्ष रे आरंभ करा जाय थिला। प्रश्न 41 रे केउ मसीहा रे ग्रामांचल स्वास्थ्यकर्मी को नियुक्ति दिया जाय थिला तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 1 1977 मसीहा रे ग्रामांचल स्वास्थ्यकर्मी को नियुक्ति दिया जाय थिला। प्रश्न 42 रे निम्नक्त मध्यरु केउटी 1986 मसीहा शिक्षा नीतिर वैशिष्ट्य तबे यार ऑप्शन हैला ऑप्शन 1 14 वर्ष पर्यंत समस्त मागणा शिक्षा प्रदान करिबा, ऑप्शन 2 समस्त राष्ट्र रे एक प्रकार रो शिक्षा व्यवस्था करिबा, ऑप्शन 3 +2 स्तर रे धंदामूलक शिक्षार प्रवर्तन करिबा, ऑप्शन 4 उपरोक्त समस्त। तबे यार उत्तर होचे उपरोक्त समस्त। 14 वर्ष पर्यंत समस्त मागणा शिक्षा प्रदान करिबा, समस्त राष्ट्र रे एक प्रकार शिक्षा व्यवस्था करिबा, तत्सहित +2 स्तर रे धंदामूलक शिक्षार प्रवर्तन करिबा। ए समस्त गुण 1986 मसीहा जातीय शिक्षा नीतिर वैशिष्ट्य थिला। प्रश्न 43 रे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL केउ मसीहा रे स्थापित होइथिला तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 3 2000 मसीहा रे स्थापित होइथिला। भारत संचार निगम लिमिटेड 2000 मसीहा रे स्थापित होइथिला। प्रश्न 44 रे केउ क्षेत्र रे नियोजित श्रमिक माने प्रकृति सहित संश्लिष्ट तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 2 प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र रे नियोजित श्रमिक माने प्रकृति सहित संश्लिष्ट अटंती। प्रश्न 45 रे द्रुततर अबारित और अधिक संपृक्ति भित्तिक विकास केउं योजनार लक्ष्य तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 1 द्वादश पंचवार्षिक योजना। द्रुततर अबारित और अधिक संपृक्ति भित्तिक विकास द्वादश पंचवार्षिक योजनार लक्ष्य अटे। प्रश्न 46 रे 1991 मसीहा आर्थिक संस्कार नीति रे सीमा शुल्क को 250% रु केते प्रतिशत को ह्रास करा जाय थिला तबे यार उत्तर होची 40% को ह्रास करा जाय थिला। प्रश्न 47 रे निम्नलिखित मध्यरु NSSO केउं प्रकारर सर्वेक्षण करिथाय तबे यार ऑप्शन गुडी गला 1 अर्थनैतिक सामाजिक, ऑप्शन 2 शिल्पर वार्षिक सर्वेक्षण, ऑप्शन 3 कृषि भित्तिक सर्वेक्षण, ऑप्शन 4 उपरोक्त समस्त। तबे हमर जो नेशनल लेवल रे NSSO रहिछि से ए सब जक सर्वे करिथाय। प्रश्न 48 रे निम्नक्त मध्यरु केउंटी एक आदर्श केंद्रीय प्रवणतार गुण तबे ऑप्शन 1 बुझिबाकु सहज होइथाय, ऑप्शन 2 समस्त लब्धांग उपरे ई आधारित अटे, ऑप्शन 3 नमूना चयनर अस्थिरता द्वारा विशेष भाव प्रभावित होइथाय, ऑप्शन 4 उपरोक्त समस्त। तबे गोटे आदर्श केंद्रीय प्रवणतार गुण होला एस उपरोक्त समस्त। प्रश्न 49 रे निम्नक्त मध्यरु केउंटी चतुर्थांशक विद्युतिर पद्धति तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 2 Q3 - Q1/2। ये होची आमर निम्न चतुर्थांशक विद्युतिर पद्धति। एवं शेषरे प्रश्न नंबर 50 प्रतिपगमन समीकरणर Y on X रे केउं स्वाधीन चल अटे, केउंटी स्वाधीन चल अटे तबे यार उत्तर होची ऑप्शन 1 X। प्रतिपगमन समीकरण रो वाई ऑन एक्स रे एक्स गोटे स्वाधीन जल अटे। तबे ये थिला +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रो 50 सिलेक्टेड समस्त चैप्टर रो MCQ क्वेश्चन एवं तार आंसर रो Part 3 वीडियो टॉपिक। आशा करे वीडियो टी तुमानु भल लागिसो, जदि कोनोसी डाउट रहला निश्चित भाबे कमेंट करी जणाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल।